व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ योगराज और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव योगराज। ये है कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मेट्रो पकड़कर हम जाएंगे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो कनाट प्लेस में है। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक से न्यू दिल्ली। यह नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करके हम दोबारा एंट्री करेंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में। बट एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में एंट्री करने से पहले हम कर लेते हैं कार्ड में थोड़ा सा टॉप अप, क्योंकि नई दिल्ली से एयरपोर्ट तक का किराया है 60 रुपये पर पर्सन। अगर आप डायरेक्ट न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आते हैं तो आप गेट नंबर 5 से एंट्री करें। एंट्री करने के बाद नीचे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आ जाएं। अंदर आने के बाद यहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में एंट्री करें। स्टेशन में अंदर एंट्री करने के बाद आप नीचे प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, जहां से आपको एयरपोर्ट के लिए मेट्रो मिलेगी। टाइम हो रहा है 3:50 PM और वेट कर रहा हूँ मैं अभी अपनी मेट्रो का। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हो सकता है आपको थोड़ी देर वेट करना पड़े मेट्रो का, तो जब आपकी मेट्रो आ जाए तो आप मेट्रो के अंदर चले जाइए। ये है एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, जो अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है। आप देख सकते हो इसमें दोनों तरफ चेयर दी गई हैं, जिस पर बैठ करके आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। यह धोला कुआं मेट्रो स्टेशन है। यह है दिल्ली एरो सिटी मेट्रो स्टेशन। अगला स्टेशन एयरपोर्ट है। नेक्स्ट स्टेशन एयरपोर्ट स्टेशन। एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंचकर यहां से करेंगे आप एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से एग्जिट। एग्जिट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास टिकट है तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, बट हम लोग जा रहे हैं विजिटर काउंटर के पास, तो आप नीचे से भी जा सकते हैं। बट पहले मैं जाऊँगा ऊपर, देन फिर मैं जाऊँगा नीचे विजिटर काउंटर के पास। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो हम यहाँ से जाएँगे सामने गेट की तरफ। आप देख सकते हो उस पर लिखा हुआ डिपार्चर एंड अराइवल्स। तो इस गेट से एग्जिट करने के बाद आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो से एग्जिट कर जाओगे और एंट्री कर दोगे यहाँ से एयरपोर्ट की एरिया में। उसके बाद आप पहुँच जाओगे सामने वाले गेट की तरफ। टर्मिनल 2 के लिए लेफ्ट साइड एंड डिपार्चर्स के लिए राइट साइड जाएं। अगर आप नीचे से एग्जिट करते हैं तो आप आएंगे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद आप थोड़ा सा आगे चलिए और आगे देखिए, आपको दिख जाएगा विजिटर काउंटर। सामने है विजिटर काउंटर, जहाँ से मिलेगी हमें टिकट। टिकट लेने से पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। विजिटर टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन, जिसका टाइम होता है 3 घंटे के लिए। उसके साथ में आपको एक आईडी कैरी करना ज़रूरी है। टिकट लेने के बाद हम लेफ्ट साइड में जाएंगे एंट्री गेट की तरफ। सामने है एंट्री गेट, जहां से हम लोग एंट्री करेंगे एयरपोर्ट के अंदर। ये है विजिटर एंट्री गेट। यहीं पर आपकी आईडी और टिकट्स दोनों चेक किए जाएंगे। तो गाइस, एयरपोर्ट के अंदर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 1 जाना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइस आप देख सकते हो ये बस जो आपके सामने खड़ी हुई है, ये है शटल बस, जो आपको पिलर नंबर 9-10 के पास मिल जाएंगी। ये है पिलर नंबर 11 और ये बस जो होती हैं गाइस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो एयरपोर्ट की तरफ से चलाई जाती हैं। सो फाइनली गाइस, आप देख सकते हो मैं एंट्री करके एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। ये है गेट नंबर 2 और ये है कोस्टा कॉफ़ी शॉप। ये है गेट नंबर 2 के बाहर का व्यू, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। ये है गेट नंबर 1 डोमेस्टिक डिपार्चर टर्मिनल 3। अगर आप गेट नंबर 1 से अंदर आते हो तो आपको मिलेंगी ये हैं कुछ फूड शॉप यहाँ पर, जो कि विजिटर एरिया में आते हैं। ये है डोमेस्टिक डिपार्चर, जो गेट नंबर 1 के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी लोग अपनी टिकट चेक करवा कर ऊपर जा रहे हैं। अब चलते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र टर्मिनल 3 के पास। और ये एरिया जितना भी गाइस आप लोग देख रहे हो, ये सारा एरिया है मीट एंड ग्रीट एरिया, जो कि विजिटर पास में आपको इतना ही एरिया अलाउड किया जाता है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। ये लोग गाइस इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन सभी की फ़्लाइट को ट्रांसफ़र किया गया है। ये है ट्रांसफ़र एंट्री गेट।
ट्रांसफ़र मतलब कि वो फ्लाइट जो दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा होता है, तो जो मुंबई है वो हो जाता है ट्रांसफ़र स्टॉप। ये है अंतर्राष्ट्रीय आगमन गेट, जिसे डोमेस्टिक अरेवल्स भी कहते हैं। ये है इंटरनेशनल डिपार्चर और विजिटर लॉन्च। ये है गेट नंबर 8 के पास, और यहाँ पर विजिटर पास से जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एयरपोर्ट विजिटर पास से आप सिर्फ इतना ही एरिया घूम सकते हैं जितना कि आप अभी यह देख रहे हैं, इससे आगे जाना अलाउड नहीं है। विजिटर पास से मीट एंड ग्रीट एरिया घूमने के बाद अब चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर की तरफ। ये है गेट नंबर 8, टर्मिनल 3। यहाँ खड़े होके जब आप सामने की तरफ देखोगे तो आपको सामने देखने के लिए मिलेगा टर्मिनल 2। वहीं पर अगर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हो तो पिलर नंबर 18 के पास आ जाओगे। पिलर नंबर 18 से अगर आप इस तरफ जाते हो, यानी सामने की तरफ, तो आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है टर्मिनल 2। तो यहाँ से आप पैदल चल के भी आराम से टर्मिनल 2 तक जा सकते हो। अगर आप बाइक से आना चाहते हो एयरपोर्ट, तो आप बाइक से भी आ सकते हो। देख सकते हो मेरे बैक साइड में ये है इसका बाइक पार्किंग एरिया, जो कि टर्मिनल 3 के बैक साइड में है टर्मिनल 2 के पास में, क्योंकि टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 दोनों पास पास में ही है। तो अब चलते हैं गाइज अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, जिसे हमने कॉल करके अभी बुलाया है। आज तो लड़का फुल यूनिफॉर्म में आ रहा है, हाथ हिलाते हुए। क्या हाल है? आज तो यूनिफॉर्म में आए हो पूरा। क्या बात कर रहे हो, समोसे लेके आए हो? अरे यार थैंक यू यार, थैंक यू। क्या हाल है? समोसे तो खिला दे भैया। चलो बैठते हैं। तो भाई समोसे लेके आए हैं। चलो भाई जा रहे हैं अब, बाय बाय। कितने नंबर गेट पे जा रहे हो? 3 नंबर गेट ना? ठीक है चलो, उधर है 3 नंबर गेट गाइज। तो भाई जा रहे हैं, ड्यूटी का टाइम ओवर हो चुका है, सो बाय बाय। सो गाइज चलिए अब हम भी चलते हैं वापस दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट स्टेशन में, और ग्राउंड फ्लोर से करेंगे हम लोग अंदर एंट्री। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग भी गाइज हमारे चैनल पर न्यू है गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं मिलता हूँ गाइज लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।